हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से परेशान हैं? क्या बार बार आप अपने बाइक की मेंटेनेंस के वजह से भी परेशान रहते हैं? तो आपके लिए मैं कमाल की इलेक्ट्रिक बाइक लेके आया हूँ। अब ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक बाइक है तो लुक्स वाइज मतलब बेकार सी होगी, नॉर्मल सी होगी, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आती हैं उनके जो लुक्स होते हैं वो काफ़ी मतलब बोरिंग से होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं कमाल के लुक्स के साथ एक इलेक्ट्रिक बाइक बताने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो दोस्तों इस वक्त जो आप स्क्रीन पे इमेजेस देख रहे हैं, इस बाइक का नाम है KM 3000। हाँ जी दोस्तों, ये जो बाइक है वो कबीरा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स कंपनी ने बनाई है, जो एक गोवा की स्टार्टअप कंपनी है। और क्या कमाल की बाइक बनाई है, इसके बारे में मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हमारे देश में ना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कॉमन है, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा उनमें पावर नहीं होती, लुक्स भी कुछ खास नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर बाइक की बात करें तो ले दे के एक बाइक है हमारे पास, वो है रिवोल्ट, और वो भी एक नेक्स्ट सेगमेंट की बाइक है। लेकिन अगर हम बात करें R15 जैसी, या फिर हम कहें कि फुल फेयरिंग वाली बाइक हमारे पास कोई भी नहीं है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, तो अब एक बाइक आ गई है। इस बाइक को दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ऑटो एक्सपो 2020 में भी देखा गया था और काफ़ी लोग इसके लुक के दीवाने हो गए थे। तो मैं आपको बताऊं कि भैया इस बाइक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके लुक्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि लुक्स अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर इसके फ्रंट पे हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको इसमें मल्टी कलर लाइट दिखने वाली है। यानी लुक्स के मामले में अगर बात करें तो अगर मल्टी कलर मैंने आज तक किसी में मतलब इनबिल्ट लाइट नहीं देखी है। आफ्टर मार्केट कई लोग लगाते हैं लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता है मल्टी कलर LED। और ध्यान से आप देख रहे होंगे तो उसमें वाइट कलर भी है, रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, तो लुक्स को काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा रहे हैं। ट्विन हेडलैम्प सेटअप आपको इसमें मिलने वाला है, इनबिल्ट इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा लुक्स में अच्छे लग रहे हैं। फुल फेयरिंग ये मोटरसाइकिल है वो आपको देख के ही पता लग रहा है। उसके अलावा इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलने वाले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलने वाले हैं, यानी आपको इसमें स्पीकर्स वगैरह भी हैं इनबिल्ट, जिससे आप इसमें गाने वगैरह भी चला सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा तो बात करें तो इसमें आपको गुड लुकिंग डिजिटल मीटर भी मिलने वाला है, और उसके साथ ही साथ आप बहुत ही शानदार आपको इसमें ग्राफिक्स भी मिलने वाले हैं। अब देखिए ग्राफिक्स जो इसमें दिए गए हैं, अब इसका क्लियर नहीं है कि ये ग्राफिक्स जब ये मार्केट में आएगी बाइक या आपको क्या इसमें देखने को मिलेंगे, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको स्प्लिट सीट्स मिलने वाली हैं, वाइड टायर मिलने वाला है, इसका टायर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, वैसे R15 वाली कुछ फीलिंग आ रही है अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे। हाँ, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये R15 ही है, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या फीलिंग आ रही है इस बाइक को देख के। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें मतलब कैसा है इलेक्ट्रिक सेटअप वगैरह क्या है, तो दोस्तों इसमें अगर आप रेयर व्हील को देख रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपकी रेयर व्हील में माउंटेड है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये 3000 वाट की है, तो इसी वजह से इस बाइक का जो नाम है वो KM 3000 रखा गया है। टॉप स्पीड की बात करें तो दोस्तों ये 120 km/h तक चले जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर रेंज की बात करें, रेंज का मतलब वन टाइम चार्ज करने पे ये कितनी चल सकती है, तो ये आपका 150 किलोमीटर तक चल सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखिए कंपनी 150 कह रही है, हम मोटा मोटा इसको अराउंड 120 तक लेके चल सकते हैं। बैटरी की बात करें दोस्तों तो ये इसकी जो बैटरी है वो 3K Wh की रहने वाली है। तो आपसे एक और ख़ास बात मैं करना चाहता हूँ कि अगर बात करें कि ये बाइक कहाँ की है, बेसिकली ये जो बाइक है इसकी कंपनी की बात करें तो ये गोवा बेस्ड कंपनी है, यानी इंडियन है। जो ये बाइक बन रही है बेसिकली वो इंडिया में ही बन रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स हैं, यानी जो इसमें सामान लगने वाला है बिजली का हो या जो भी मोटर वगैरह, वो मैक्सिमम इंडिया की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% इंडिया की है, लेकिन मैक्सिमम इंडिया की है, तो यानी हम प्राउडली इसको मेड इन इंडिया बाइक भी कह सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई KM 3000 की, अब KM 4000 नाम की भी एक बाइक है। दोस्तों ये जो बाइक है वो एक नेक्स्ट सेगमेंट की बाइक है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बता नहीं सकता। लेकिन आपको एक चीज बता सकता हूं कि जैसे इसका नाम KM 3000 है, यानी जो इसकी मोटर है वो बेसिकली 3000 वाट की है, उसी तरह जो KM 4000 है जो उसकी मोटर है वो भी आपका मतलब 4000 वाट की रहने वाली है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 4000 की मोटर उसमें लगी होगी। बाकी अगर बात करें तो ये कब ये दोनों बाइकें लॉन्च होने वाली हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये फरवरी 2021 में ये दोनों बाइकें लॉन्च होने वाली हैं। चाहे तो अभी आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी बुकिंग भी करा सकते हैं।
दोस्तों आप कहेंगे कि भैया ये तो बुकिंग की बात कर रहा है, इसने पूरी बाइक हमें दिखा दी, दूसरी बाइक के बारे में मैंने आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो आप ये सोच रहे होंगे भैया सारी बातें तो इसने बता दी, लेकिन मेन बात प्राइस के बारे में तो बात नहीं की है। देखिए अभी तक कंपनी ने इसका जो प्राइस है वो डिस्क्लोज नहीं किया है। बेसिकली मैं KM 3000 की बात कर रहा हूँ। तो कबीरा मोटर्स ने इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से, यानी जो मैंने इसका हिसाब लगाया, जो एक्सपर्ट्स वगैरह का, जो नेट वगैरह से मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो उसके हिसाब से जो इसका प्राइस है वो 1,10,000 ऑन रोड आपका, मतलब मिनिमम इतना अमाउंट तो रहेगा, इसी के आसपास ही जो इसकी जो वैल्यू वो रहने वाली है, यानी 1,10,000 तक आपको ये मिल जाएगी। ओवरऑल दोस्तों एंड में अगर मैं बात करूं इस बाइक के बारे में, यानी दोनों बाइक्स के बारे में बात करूं, तो देखिए अभी मैं बात करूं तो देखिए मैं भी कभी कॉलेज में था, कभी स्कूल में था, तो हमारे पास भी कोई बाइक होती थी और कई लोगों के पास तो एक परफॉर्मेंस बाइक भी होती थी। अब पता क्या होता है कि माँ बाप से लड़ झगड़ के हम लोग परफॉर्मेंस बाइक ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसका पेट्रोल का खर्चा काफ़ी उठाना मुश्किल हो जाता है। तो भाई मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसमें इन चीज़ों के खर्चे नहीं है। बेसिकली आप इसमें पेट्रोल नहीं डलवाएंगे घर में, आपने बस अपने चार्जिंग पॉइंट से इसको चार्ज करना है, जो भी घर चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो इलेक्ट्रिक आइटम्स की क्या मेंटेनेंस होती है, मतलब बहुत ही कम इनकी मेंटेनेंस होती है। आपको इसकी सर्विस कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं है जिसका आपको ऑयल चेंज कराने की जरूरत पड़े। तो बाकी जो खर्चे हैं वो भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ओवरऑल मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप कॉलेज में हैं और आप चाहते हैं कि आपको कम खर्चे में एक स्पोर्ट्स बाइक मिले, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बाइक है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यार मार्केट में काफ़ी कम सेल है। देखिए पहला रीज़न तो मैं आपको बता ही दूँ कि पावर हो गया, दूसरा रीज़न ये हो गया कि इनमें मतलब ज़्यादा लुक्स अच्छे नहीं होते। देखिए आस्ते आस्ते ये जो सारी चीज़ें हैं ये कवर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में लोग इनको नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो परफॉर्मेंस लुक्स वाली बाइक हैं वो ऑब्वियसली बात है कि इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो ऐसे में लोग इनको क्यों लेंगे? तो यार गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, या तो इन्हें मिनिमम टैक्स कर देना चाहिए, और या तो इनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। जिससे होगा क्या कि जो मैक्सिमम जो भी टीनेजर्स हैं या यंगस्टर्स हैं या जो भी हैं पर्सन हैं, वो मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पास एक और रीज़न हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको कई रीज़न गिना दिए इलेक्ट्रिक बाइक के, लेकिन इसके साथ साथ एक रीज़न और भी हो जाएगा कि ये नॉर्मल बाइक से, यानी अगर आप एक फेयरिंग फुल फेयरिंग वाली बाइक लेते हैं जो आपको 1,00,000 की मिल जाती है, 1,50,000 की मिल जाती है, और वैसी ही सेम पावर वगैरह वाली बाइक अगर आपको 70,000-80,000 में मिल जाए, तो आप उसी को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस तरफ स्टेप लेना चाहिए और ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक्स हो गए, स्कूटर हो गए, इनको टोटली टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो मैं सोचता हूँ क्या आप भी वही सोचते हैं, और जो मुझे लगता है क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर लिख के बताइए। उसके अलावा बात करें दोस्तों, तो यार अगर आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई है और थोड़ा बहुत ही पसंद आई, तो कमेंट सेक्शन में एक तो मुझे बता दीजिए, उसके अलावा जाके इसकी बुकिंग करा लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना भी मत भूलिए, और अगर मेरे व्लॉग्स एक बार मेरे व्लॉग्स जरूर देखिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं आपके लिए और व्लॉग्स बना दिया करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना भी मत भूलिए, और अगर मेरे व्लॉग्स एक बार मेरे व्लॉग्स जरूर देखिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं आपके लिए और व्लॉग्स बना दिया करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।